मैं पहला दीपदान, दूसरा तुलसी पूजन, तीसरा भूमि पर शयन, चौथा शरीर पर तेल नहीं लगाना, पांचवा सुंदर दलहन की चीजों का त्याग करना, और छठा ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना, और सातवा अपने जीवन में कार्तिक के महीने में चाहे वाणी का संयम हो, चाहे भोजन का संयम हो, चाहे शब्दों का संयम हो, चाहे दृष्टि का संयम हो, चाहे इंद्रियों का संयम हो, वो संयम रखें, वो संयम धारण करें। अब हमें ये ज्ञात करना है कि सात नियम जो कार्तिक के महीने के होते हैं, कार्तिक महात्म में जो सात नियम बताए गए होते हैं, इन सात नियम में से कोई एक नियम हमारी जिंदगी में उतार लें, कोई एक नियम हमारे जीवन में उतार लें, जिस नियम के बल पर हमें परमात्मा का साक्षीकरण हो जाए, कोई एक नियम। अगर आप दीप दान कर रहे हो कार्तिक के महीने में, प्रतिदिन आपने एक महीना तक दीप दान करा महाराज, तो ये भी आपका एक नियम है। एक महीने तक आपने जो तुलसी में जल चढ़ाया, ये भी आपका नियम है। आपने अगर वाणी पर संयम रखा है, ये भी आपका नियम महाराज। एक बहुत सुंदर बात कार्तिक के महात्म से लीजिएगा अपने जीवन में उतारने के। कार्तिक के महीने का सातवां नियम याद रखना सही नहीं है, निर्धारित करना कि हम कार्तिक के जो सात नियम है, कार्तिक के महीने के जो सात नियम बताए गए हैं, कम से कम हम सात नियम में से एक नियम ऐसा पकड़ें जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए। आप भले सात नियम नहीं कर रहे कार्तिक के, भले एक नियम करो, पर वो नियम हमारा पूर्ण चलना चाहिए, उसकी नियम की पूर्णता पूर्ण होना चाहिए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।